हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी साइंस क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने पोलन पिस्टन इंट्रैक्शन तक कवर कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो एंजियोस्पर्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, मतलब करेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का, कि उसमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। डबल फर्टिलाइजेशन के लिए दो मेल गैमेट चाहिए। अब दो मेल गैमेट कहाँ है? हमने पढ़ा था जनरेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल थी, ये पूरी वेजिटेटिव सेल थी, उसमें एक जनरेटिव सेल थी, और एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। तो जो जनरेटिव सेल अकेली थी वो हैप्लोइड थी। अब इसने माइटोसिस किया, माइटोसिस करने के बाद दो जनरेटिव सेल बने और दोनों हैप्लोइड। अब इसमें मेल गैमिट बन गए दो, एक ये और एक ये। तो दो मेल गैमिट, दो जनरेटिव सेल। अब ये जो दो जनरेटिव सेल दिख रही है, दोनों मेल गैमिट है। क्या होगा अब इसमें डबल फर्टिलाइजेशन में? इन्हीं दो गैमेटों का यूज होने वाला है। कैसे यूज होगा? तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा था ये पोलन ग्रेन था, ये सभी पोलन ग्रेन से ये जर्मिनेट हुए थे। अब ये पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बनी, अभी पोलन ट्यूब स्टिग्मा पे जर्मिनेट हो गया, स्टाइल के द्वारा ओव्यूल में एंटर होती है। सबसे पहले तो पोलन जर्मिनेशन जो होता है वो बोरॉन की प्रेजेंस में होता है। पोलन जर्मिनेशन जो होता है वो बोरॉन एलिमेंट की प्रेजेंस में होता है, और उस एलिमेंट की प्रेजेंस में ये जर्मिनेट होने के बाद स्टाइल के द्वारा, ये स्टाइल है, स्टाइल के द्वारा ये मूव करेगा, और मूव करने के बाद ये कहाँ जाएगा? ओव्यूल में जाएगा। और ओव्यूल में किस डायरेक्शन में एंटर करेगा? माइक्रोपाइलर एंड से। तो माइक्रोपाइल के थ्रू ये एंटर होगा, तो सबसे पहले इसको सिनर्जिड सेल मिलेगी। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो दिख रही है ये एक सिनर्जिड सेल है। इस सिनर्जिड सेल में पोलन ट्यूब एंटर की, और पोलन ट्यूब एंटर करने के बाद क्या होगा? फिलीफॉर्म एपरेटस की मदद से एंटर कर रही है। जो ये जो दिख रहा है ये फिलीफॉर्म एपरेटस है, इसकी मदद से एंटर करेगी। एंटर करने के बाद ये जो थी सिनर्जिड सेल ये डीजेनरेट हो जाएगी, और सिनर्जिड सेल डीजेनरेट होने के बाद यहां से दो मेल गैमिट रिलीज हो जाएंगे, जिनमें से पहला मेल गैमिट एग सेल के पास जाएगा। जिनमें से पहला, ये एग सेल है जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एग न्यूक्लियस है इसका, ये एग सेल थी। अब पहला मेल गैमिट किसके पास गया? एग सेल के पास गया, और दूसरा मेल गैमिट जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के पास। तो पहला मेल गैमिट जब एग सेल के पास जाएगा तो क्या बनाएगा? जब यहां से एक मेल गैमिट है एग सेल प्लस मेल गैमिट, अभी एग सेल के साथ जो मेल गैमिट दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में जनरेटिव सेल है, ये एक्चुअल में जनरेटिव सेल है। अब इसको बोलेंगे हम फर्टिलाइजर, इसको बोलेंगे हम सिनगैमी। तो एग सेल प्लस मेल गैमिट, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सिनगैमी। अब क्या होगा? दूसरा, दो पोलर न्यूक्लियाई थे, पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होने के बाद डिप्लॉयड हो गए थे, तो एन प्लस एन कंडीशन थी, तो ये बन गया था सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि 2n कंडीशन का बन गया था। अब इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ यहां पे एक मेल गैमिट जो बचा था वो मेल गैमिट आएगा, जो कि ये भी क्या था? ये भी जनरेटिव सेल था, जनरेटिव सेल है। अब ये जो जनरेटिव सेल था, अब इसको हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। ऐसा क्यों बोला? जैसा कि यहां पे ये हैप्लोइड था, ये भी हैप्लोइड, इधर ये डिप्लोइड है और ये हैप्लोइड है। तो हुआ कुछ ऐसा कि यहां पे n प्लस n, तो 2n का जायगोट बनेगा, n प्लस n 2n का जायगोट बनेगा, और यहां पे 2n प्लस n मतलब 3n का प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, 3n कंडीशन का प्राइमरी एंडोस्पर्म
न्यूक्लियस बनेगा। अब इसमें क्या क्या प्रोसेस हुई, सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन। तो सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। तो सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन को कंबाइंडली हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि यहां पे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड, जैसे ही सिनर्जिड में एंटर होगा, द पोलन ट्यूब रिलीज टू मेल गैमिट, दो मेल गैमिट रिलीज हो गए इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड सेल। कहां पे रिलीज किए, सेल के सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में। वन ऑफ द मेल गैमिट मूव टूवर्ड्स द एग सेल, एक मेल गैमिट एग सेल के पास जाएगा, दूसरा मेल गैमिट न्यूक्लियस के साथ फ्यूज एग सेल एंड फ्यूज विद द न्यूक्लियस, दस कंप्लीट द सिनगेमी। तो एग सेल प्लस मेल गैमिट, तो इन दोनों को मिला के हमने बोला था सिनगेमी। तो ये सिनगेमी हो गया। तो यहां पे हमने सिनगेमी पढ़ा। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल। अब डिप्लॉइड सेल कौन सी बनी थी, जाइगोट। तो सिनगेमी से बना जाइगोट, जैसा कि हमने ऊपर देखा था अभी। अब द अदर मेल गैमिट मूव्स टुवर्ड्स पोलर न्यूक्लियाई, जो दूसरा मेल गैमिट था वो पोलर न्यूक्लियाई की तरफ मूव करेगा। पोलर न्यूक्लियाई जो था सेंट्रल सेल, जो था सेंट्रल सेल में जो थे वो फ्यूज विद देम प्रोड्यूस ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड 3n कंडीशन आई थी, तो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, जिसको पेन बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड होता है। इस प्रोसेस में एज दिस इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ थ्री हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, जैसा कि इसमें तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं, इसलिए इसको हम ट्रिपल फ्यूजन नाम देते हैं। अब क्या क्या हुआ था, सिनगेमी हुआ था और ट्रिपल फ्यूजन हुआ था। तो सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को मिला के हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को मिला के हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यहां पे डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुई। एन इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट कौन सा होता है, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म का एक यूनिक फीचर होता है डबल फर्टिलाइजेशन। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब जो सेंट्रल सेल थी, हमने सेंट्रल सेल पढ़ी थी, अब वो सेंट्रल सेल जो है ये वाली, ये क्या कहलाएगी, अब ट्रिपल फ्यूजन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और ये जो न्यूक्लियस है ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि कैसा है, 3n कंडीशन का हुआ करता है। अब ये 3n कंडीशन का बन तो गया, इसका यूज क्या है, अब ये एंडोस्पर्म बनाएगा। जब ये एंडोस्पर्म बनाएगा तो एंडोस्पर्म फूड प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो के लिए। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए जो फूड प्रोवाइड करेगा वो एंडोस्पर्म होता है। तो जाइगोट के डेवलप होने से पहले एंडोस्पर्म डेवलप होगा, जाइगोट के डेवलप होने से पहले एंडोस्पर्म डेवलप होगा, क्योंकि एंडोस्पर्म डेवलप होगा तभी तो एम्ब्रियो को फूड मिलेगा। तो ये श्योरिटी प्रोवाइड कराता है ये जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है, कि जो जाइगोट है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड होगा। अब किस तरह से, पहले पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ते हैं। हमने अभी अभी फर्टिलाइजेशन पढ़ा, स्पेशली हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे, क्या क्या होगा उसमें। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होगा और एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हुआ, उसके तुरंत बाद क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो क्या क्या होगा उसमें, फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट ऑफ एंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवलप, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट। तो क्या क्या हुआ, ओव्यूल से सीड बनता है और ओवरी से फ्रूट बनता है, और ये सारी प्रोसेस जो होगी
उसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, क्योंकि ये सारे इवेंट फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहे हैं, इसलिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हम इसको बोल देंगे। अब यहाँ पे एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म है क्या, कैसे बना, तो पहले इसको समझ लेते हैं उसके बाद देखते हैं। पहले इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, प्राइमरी एंडो स्पर्म न्यूक्लियस, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था वो 3N कंडीशन का था, जिसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन भी बोल देते हैं। अब किसके अंदर है, सेंट्रल सेल जो थी वही प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाएगी। अब ये 3N कंडीशन में है, और 3N कंडीशन मतलब कि प्लॉइडी कैसे हुई, इवन सॉरी ऑड प्लॉइडी हो गई। अब ऑड प्लॉइडी जो होती है उसमें मियोसिस तो होता नहीं है, तो ये माइटोसिस करेगा, माइटोसिस के द्वारा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, कौन सा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी कौन सा माइटोसिस। अब माइटोसिस के द्वारा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, मतलब हम कहेंगे कि कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब कि कैरियोकाइनेसिस सिर्फ होगा, साइटोकाइनेसिस उसके बाद नहीं होगा, तो एक ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि एक ही सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो इसको हम बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब ये जो बना ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बना, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनने के बाद अब क्या होगा इसमें, अब इसमें सेलुलराइजेशन होगा, सेलुलराइजेशन। अब ये क्या होता है, सेलुलराइजेशन का मतलब होता है कि सेल वॉल फॉर्मेशन, जितने भी न्यूक्लियस बने थे कहाँ पे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के द्वारा, माइटोसिस के द्वारा जितने भी न्यूक्लियस बने थे सबके ऊपर सेल वॉल आना शुरू हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं सेलुलराइजेशन। तो सेलुलराइजेशन से कई सारी सेल्स बन जाएंगी, तो हम कहेंगे फ्री सेल्यूलर एंडोस्पर्म। जो ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनी थी इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे न्यूक्लियस थे एक ही सेल के अंदर, इसको सिंस आईटीएम भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं, सिंसाइटियम। तो यहां तक फिर सिंसाइटियम जो कंडीशन थी, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, उसके बाद सेलुलराइजेशन हुआ, सेलुलराइजेशन के बाद फ्री सेलुलर एंडोस्पर्म बन गया। अब फ्री सेलुलर एंडोस्पर्म बनने के बाद क्या होगा, वो एंडोस्पर्म जो बना है वो नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या है कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब कि पहले एंडोस्पर्म डेवलप होगा उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। इसने पूछा ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जब एंडोस्पर्म डेवलप होगा तो वो नरिशमेंट प्रोवाइड करा सकता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, अगर डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा। द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली फॉर्म्स ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। अब जो सेल थी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल थी वो डिवाइड करी और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल टिश्यू बना देगा। अब प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू बना, वो कैसे कैसे बना वो प्रोसेस आ जाएगी। द सेल ऑफ टिश्यू आर फिल्ड विद द रिजर्व फूड मटेरियल, सेल्स के पास रिजर्व फूड मटेरियल होगा इसीलिए इसको नरिशमेंट में यूज किया जाता है, एंड आर यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, तो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन की फॉर्म में इसका यूज करते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। तो यहाँ पे हमने देखा था पहले न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, जिसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। अब कई सारे न्यूक्लियस इसमें डेवलप हो जाएंगे, न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू
फ्री न्यूक्लियाई, दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म न्यून एज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे हमने फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देख लिया था, जिसमें कि सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा था और साइटोकाइनेसिस इसमें नहीं हो रहा था, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा था। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन, अब जैसे ही फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बना था, तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनने के बाद इसका सेलुलराइजेशन हुआ था, सेलुलराइजेशन से फिर सबकी सेल वॉल बनी थी और तो तभी फ्री सेलुलर एंडोस्पर्म बन गया था। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोला, सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स। अब सेल वॉल फॉर्मेशन यहाँ पे देखेगा, फिर क्या होगा, एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर और एंडोस्पर्म सेलुलर हो जाएगा। नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर द सेलुलराइजेशन, नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर द सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली, डिफरेंट डिफरेंट होंगी। द कोकोनट वाटर फॉर द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू फेमिलियर विद इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। मतलब कि जो कोकोनट होता है सिंपल सा, उसमें कोकोनट में जो लिक्विड है, लिक्विड ऑफ कोकोनट, अब यहां पे जो लिक्विड ऑफ कोकोनट था वो एक्चुअल में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। अब ये था क्या, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जब ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, अब इसमें होगा सेलुलराइजेशन, इसी में सेलुलराइजेशन होगा, तो जो हिस्सा लिक्विड है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। अब उसी में व्हाइट कैरेनल होता है, व्हाइट कैरेनल जो होता है वो फ्री सेलुलर एंडोस्पर्म हुआ करता है। तो लिक्विड पैट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में और व्हाइट कैरेनल फ्री सेलुलर एंडोस्पर्म इसमें हुआ करता है। तो वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट क्या था, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था, मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई सराउंडेड बाय व्हाइट कैरेनल। अब जो व्हाइट कैरेनल था वो सेलुलर एंडोस्पर्म था, तो व्हाइट कैरेनल क्या था, सेलुलर एंडोस्पर्म, और लिक्विड क्या था, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड, एंडोस्पर्म हो सकता है कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाए बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो, जैसा कि पी ग्राउंड नट बीन्स में होता है। मतलब जनरली जो डाइकोट्स होते हैं, उसमें एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया जाता है बिफोर सीड मैच्योरेशन। अब कंज्यूम कर लिया तो किसमें, मेजरली डाइकोट्स में होता है ऐसा। इट में परसिस्ट, अभी कुछ कुछ कंडीशन में रह जाता है, कुछ कुछ कंडीशन में रह जाता है मैच्योर सीड में भी, जैसा कि कैस्टर में और कोकोनट में देखने को मिलता है, क्योंकि कैस्टर भी क्या है, डाइकोट है, और कोकोनट भी क्या है, डाइकोट है। तो नॉर्मल कंडीशन में जो डाइकोट्स होते हैं, उन डाइकोट्स का जो एंडोस्पर्म होता है कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा, कुछ में रह जाता है, जैसे कि कैस्टर हो गया और कोकोनट हो गया। एंड बी यूज अब ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन, अब ये कब यूज होगा, फिर जो बचा है वो सीड जर्मिनेशन के टाइम पे यूज होता है। अब सीड जर्मिनेशन के टाइम पे यूज होगा, स्प्लिट ओपन सम सीड ऑफ कैस्टर पीस बीन ग्राउंडनट फ्रूट ऑफ कोकोनट लुक द एंडोस्पर्म इन ईच केस। तो यहाँ पे आप परसिस्टेंट, जो परसिस्टेंट एंडोस्पर्म है, जो एंडोस्पर्म प्रेजेंट है वो देखने को उसमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमने एंडोस्पर्म पढ़ लिया, एंडोस्पर्म में हम देखते, एंडोस्पर्म के बाद आता है एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो किस तरह से डेवलप होगा पहले उसको देखते, फिर उसके बाद इसमें आगे बढ़ेंगे। तो एंडोस्पर्म डेवलप करने के, एम्ब्रियो डेवलप करने के लिए क्या क्या स्टेजेस आएंगी,
अब यहाँ पे क्या क्या स्टेजेस आएंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जायगोट बना था, तो जायगोट से शुरू करता है। ये जायगोट है, जायगोट डिप्लॉयड कंडीशन में है। अब जो जायगोट था वो डिप्लॉयड कंडीशन में था, अब क्या होगा इसमें, इससे पहले एम्ब्रियो एंडोस्पर्म डेवलप हो चुका है, अब जायगोट में क्या क्या होगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो जायगोट है वो माइक्रोपाइलर एंड पे मैच्योर होता है, तो पहला पॉइंट क्या है, इसका फॉर्मेशन कहां होगा, एट माइक्रोपाइलर एंड। तो डेवलपमेंट ऑफ जायगोट एट माइक्रोपाइलर एंड, और क्या होगा, अब जो माइक्रोपाइलर एंड पे जब ये जायगोट डेवलप होगा तो इसमें एक डिवीजन होगा, जो डिवीजन अनइक्वल होगा, तो यहां पे कैसा डिवीजन हुआ, अनइक्वल डिवीजन। अनइक्वल डिवीजन हुआ जिस वजह से दो सेल बनी, एक लार्ज थी, लार्ज सेल बनी सस्पेंसर, लार्ज सेल जो बनी उसका नाम था सस्पेंसर सेल, एक स्मॉल सेल बनी, स्मॉल सेल का नाम था एम्ब्रियोनल सेल। लार्ज सेल सस्पेंसर सेल, स्मॉल सेल एम्ब्रियोनल सेल। अब सस्पेंसर सेल जो है 6 से 8 सेल में डिवाइड कर जाएगी, 6 से 8 सेल स्टेज तक डिवाइड करेगी, और ये डिवीजन के बाद 6 से 8 सस्पेंसर बनाएगी, 6 से 8 सस्पेंसर बनाएगी। अब ये 6 से 8 सस्पेंसर जो बने, इसमें से जो सबसे फर्स्ट वाला होगा वो होस्टोरियल कहलाएगा, फर्स्ट वाला जो फर्स्ट वाला सेल होगा वो कहलाएगा होस्टोरियल, और वेस्कुलर वेसाइकुलर। होस्टोरियल और वेसाइकुलर ये कहलाएगा। अब क्या होगा इसमें, अब ये वेसाइकुलर और होस्टोरियल बना, जो लास्ट वाला होगा, लास्ट वाला इसमें कहलाएगा हाइपोफाइसिस, ये सब कहां दिख रहा है पहले इसको एक बार देख लेते हैं। ये था जायगोट, ये था जायगोट। अब इस जायगोट में हम देख रहे हैं, ये जायगोट है, इसमें दो अनइक्वल, एक अनइक्वल डिवीजन हुआ, ये जो बनी ये सस्पेंसर सेल है और ये जो है एम्ब्रियोनल सेल है। यहां पे हम लिख देते हैं, ये है सस्पेंसर सेल जो कि अनइक्वल डिवीजन से बनी है, ये एम्ब्रियोनल सेल है। अब इसमें सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियोनल सेल दिखाई दे रही हैं। अब ये 6 से 8 सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 से लेके 8 सेल तक ये स्टेज आई। तो सबसे पहली सेल जो है इसको हम बोलेंगे होस्टोरियल सेल और वेसिकुलर सेल। इससे बीच में एक और स्टेज आती है जो कि कुछ इस प्रकार से होती है, यहां से दो स्टेजेस और आएंगे बीच में। तो उसमें क्या होगा, 6 से 8 सेल बनी, तो अब इसका नाम हो गया होस्टोरियल सेल, अब ये जो होस्टोरियल सेल है ये क्या करेगा, यहां पे जो होगा ये लास्ट सेल जो है इसका नाम होगा हाइपोफाइसिस, ये लास्ट सेल का नाम होगा हाइपोफाइसिस।
अब ये हमने देख लिया, आगे अब और क्या क्या बनेगा इसमें। अभी जो हाइपोफाइसिस है ये रेडिकल की टिप बनाता है, फॉर्म्स द टिप ऑफ रेडिकल। रेडिकल वो होता है जिससे रूट बनेगी, तो रेडिकल की टिप बनाएगा। अब ये पढ़ा हमने सस्पेंसर, तो सस्पेंसर का अल्टीमेट फंक्शन क्या है अब वो देख लेते हैं। तो फंक्शन ऑफ सस्पेंसर है कि ये पुश करता है एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म की तरफ, पुश द एम्ब्रियो टूवर्ड्स एंडोस्पर्म, किसके लिए? नरिशमेंट लेने के लिए, क्योंकि नरिशमेंट किसके पास है? नरिशमेंट एंडोस्पर्म के पास है, तो एंडोस्पर्म से नरिशमेंट लेने के लिए एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म की तरफ पुश करेगा कौन? सस्पेंसर। और बाद में ये डिजनरेट हो जाएगा, तो सस्पेंसर विल डीजनरेट आफ्टर मेच्योरिटी ऑफ एंडोस्पर्म एम्ब्रियो, आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जैसे एम्ब्रियो डेवलप होगा सस्पेंसर सस्पेंसर विल डीजनरेट। तो जैसे ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा सस्पेंसर डीजनरेट हो जाएगा। अब यहां तक हमने सस्पेंसर की कहानी पढ़ी, सस्पेंसर में क्या क्या हुआ? जायगोट था, जायगोट माने इक्वल डिवीजन हुए, लार्ज सेल बनी सस्पेंसर, स्मॉल सेल बनी एम्ब्रियोनल एक्सेस एम्ब्रियोनल सेल। अब जो लार्ज सेल थी वो 6 से 8 सेल में डिवाइड हो गई, जिसमें से पहली सेल जो थी बड़ी वाली वो होस्टोरियल सेल थी, और जो लास्ट वाली थी उसको हाइपोफाइसिस बोलते थे। हाइपोफाइसिस रेडिकल बनाएगा। अब इसका काम क्या था कि एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म की तरफ ढकेल रहा था जिससे कि वो नरिशमेंट ले सके, और लास्ट में जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा तो ये डीजनरेट हो जाता है। अब इसमें एम्ब्रियोनल सेल का क्या होगा? अब जो एम्ब्रियोनल सेल है उस एम्ब्रियोनल सेल में एम्ब्रियो बनेगा, कौन कौन सी इसमें स्टेज आएंगी? तो यहाँ पे जो जायगोट है, जायगोट के बाद एम्ब्रियोनल सेल हमें दिखाई दे रही है, एम्ब्रियोनल सेल और ग्लोबुलर एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनल सेल और ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बीच में एक ऑक्टेंट स्टेज और आती है। यहाँ पे एक बीच में ऑक्टेंट स्टेज आएगी, इस ऑक्टेंट स्टेज के बाद ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे ग्लोबुलर स्टेज, ये ग्लोबुलर स्टेज में जो एम्ब्रियो था वो डेवलप हो जाएगा। ये एम्ब्रियो है, इसमें कंटिन्यूअस डिवीजन की वजह से, ये जो कंटिन्यूअस डिवीजन हो रहे हैं इन कंटिन्यूअस डिवीजन की वजह से ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना। ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनेगा, ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है। अब ये जो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है इसके बाद ये मैच्योर एम्ब्रियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये मैच्योर एम्ब्रियो है। तो एक डाइकोट का मैच्योर एम्ब्रियो कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये जो रेडिकल है यहाँ पे जो हाइपोफाइसिस थी, वही रेडिकल बना रही थी, तो हाइपोफाइसिस यहाँ है, अब यहाँ है हाइपोफाइसिस जो कि रेडिकल बना रही है। ये कोटिलीडन हो गए, और रेडिकल के अपोजिट में प्लीम्यूल बनता है, अब ये मैच्योर एम्ब्रियो कहलाएगा। ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हमने समझा, अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एक बार इसमें देखते हैं। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक में माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एम्ब्रियो जायगोट का डेवलप होगा, जहां पे जायगोट सिचुएटेड होता है। अब मोस्ट ऑफ द जायगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड, जब कुछ अमाउंट में जितनी रिक्वायर है उस अमाउंट में एंडोस्पर्म बन जाएगा तभी वो डिवाइड करेंगे, तभी वो डेवलप होना शुरू करता है। दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड द एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो को कंफर्मेशन के साथ मतलब कि न्यूट्रिशन मिलेगा ही, ऐसी एश्योरिटी के बाद ही ये जो जायगोट है वो डिविजन शुरू करता है।
सीड डिफर ग्रेटली, जो सीड्स हैं वो अलग अलग वेरी करते हैं। द अर्ली स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जिसको एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं, आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोट एंड डाइकोट। तो एम्ब्रियोजेनी जो होता है, अर्ली स्टेज जो होती है, वो मोनोकोट या डाइकोट दोनों में सेम ही होती है। अब इस डायग्राम में हम देखते हैं, जो अभी गया था ये वाला, तो यहाँ से इस जगह से चेंज होना शुरू होता है डाइकोट और मोनोकोट में। इन सिमिलर इन बोथ मोनोकोट एंड डाइकोट, डिपिक्ट द स्टेज ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो। कौन से जो अभी अभी डायग्राम देखा था उसमें क्या क्या स्टेज आई? जायगोट, जायगोट से क्या बना? प्रो एम्ब्रियो बना, और प्रो एम्ब्रियो से बाद में ग्लोबुलर स्टेज। अब प्रो एम्ब्रियो कौन था एक्चुअल में? ये जो प्रो एम्ब्रियो यहाँ पे लिखा है, यही ऑक्टेंट स्टेज है। ये जो प्रो एम्ब्रियो था, यही ऑक्टेंट स्टेज थी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रो एम्ब्रियो इज ऑक्टेंट स्टेज। तो यहाँ पे हमने ऑक्टेंट स्टेज देखा, तो ये प्रो एम्ब्रियो हो गया। प्रो एम्ब्रियो के तुरंत बाद क्या बनेगा? ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, और ग्लोबुलर के बाद हार्ट शेप्ड बन जाएगा, और फिर मैच्योर एम्ब्रियो यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब अ टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो है। अ टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होती है? ये जो एक्सिस है, इसको हम एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कोटिलीडन्स। कौन से हैं कोटिलीडन? ये एक कोटिलीडन है, ये दूसरा कोटिलीडन है। तो ये कोटिलीडन दिख गए इसमें। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द कोटिलीडन इज कॉल्ड एपिकोटाइल। मतलब कोटिलीडन से अबव वाला, जैसे यहां से कोटिलीडन का ओरिजिन हुआ है, तो ये रीजन जो हो जाएगा, ये एपिकोटाइल कहलाएगा। ये रीजन एपिकोटाइल कहलाएगा, और इसके नीचे वाला जो रीजन है, इसको हम हाइपोकोटाइल बोलेंगे। मतलब कोटिलीडन से नीचे का जो एरिया है वो हाइपोकोटाइल, और कोटिलीडन के ऊपर वाला एरिया एपिकोटाइल कहलाता है। अब जो एपिकोटाइल था, उसके टर्मिनल पे हमें प्लीम्यूल मिलेगा, जो कि स्टेम की टिप बनाता है। तो एपिकोटाइल, हमने कोटिलीडन का ओरिजिन यहां से था, तो इसको एपिकोटाइल बना। तो ये जो टर्मिनल है, इसको हम प्लीम्यूल बोल रहे हैं, जो कि स्टेम की टिप बनाता है। नेक्स्ट, द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलीडन इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। तो ये जो पोर्शन है, सिलेंड्रिकल पोर्शन जो दिखाई दे रहा है कोटिलीडन के नीचे का, ये सब हाइपोकोटाइल कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है इसमें? दैट टर्मिनेट एट इट्स लोअर एंड इन द रेडिकल और रूट टिप। अब यहां पे हमें लोअर एंड में क्या दिख रहा है? रेडिकल दिखाई दे रहा है, जिसको हम रूट टिप भी बोलते हैं। अभी जो रूट टिप है, जो रेडिकल है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं रूट कैप। तो रूट टिप के बाहर हमें रूट कैप देखने को मिलेगा। एम्ब्रियोज ऑफ द मोनोकोटिलीडन्स पजेस ओनली वन कोटिलीडन। जो मोनोकोटिलीडन होते हैं, ये मोनोकोट का डायग्राम है। अब ये जो मोनोकोट का डायग्राम है, उसमें एम्ब्रियो के पास सिर्फ एक ही कोटिलीडन होता है, जिसको हम जिसलिए हम इसको मोनोकोट बोलते हैं। अब ग्रास फैमिली में ध्यान रखना है कि ग्रास फैमिली में जो कोटिलीडन था, उसका नाम स्कूटेलम था। तो ये जो स्कूटेलम दिखाई दे रहा है, ये कोटिलीडन का नाम है। किस फैमिली में? ग्रास वाली फैमिली में देखने को मिलेगा। तो स्कूटेलम इज ए मॉडिफाइड कोटिलीडन फाउंड इन ग्रास फैमिली दैट इज सिचुएटेड टूवर्ड्स द वन साइड। दूसरी साइड में, एक साइड में सिचुएटेड है, लेटरल साइड में ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस ये है, ये इसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसकी लेटरल साइड में ये प्रेजेंट है। एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल। लोअर एंड पे हमें रेडिकल दिखाई दे रही है, ये रेडिकल है। रेडिकल के नीचे हमें रूट कैप दिखाई दे रहा है।
और क्या है इसमें, रेडिकल दिख गया, रेडिकल के साथ साथ इसमें रूट कैप एनक्लोज्ड इन अनडिफरेंशिएटेड शीथ कॉल्ड कोलियोरहिजा। अब ये हमें रेडिकल दिखी, ये वाली रेडिकल है। इसके बाद हमें यहाँ पे ये रूट कैप दिखी, और रूट कैप के बाहर एक अनडिफरेंशिएटेड मास है सेल्स का, जिसको हम कोलियोरहिजा बोलते हैं। ये जो अनडिफरेंशिएटेड मास है इसको हम कोलियोरहिजा बोलते हैं। तो कोलियोरहिजा क्या था, एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ है जिसको कोलियोरहिजा बोला। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कूटलम इज कॉल्ड एपिकोटाइल। अब जहां से ये अटैच है पोर्शन, ये स्कूटलम जहां से अटैच है, इससे ऊपर का जो हिस्सा है ये पूरा एपिकोटाइल कहलाता है, ये पूरा एपिकोटाइल कहलाएगा। अब यहाँ पे एपिकोटाइल हमें दिख गया, एपिकोटाइल के बाद द पोर्शन एपिकोटाइल हो गया। एपिकोटाइल हैज द शूट अपेक्स एंड फ्यू लीफ प्राइमोडिया एनक्लोज इन होलो फॉलियर स्ट्रक्चर कॉल्ड कोलियोप्टाइल। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो दिख रही है हमें, ये होलो स्ट्रक्चर है जिसको हम कोलियोप्टाइल बोल रहे हैं। इस कोलियोप्टाइल के अंदर हमें लीफी स्ट्रक्चर, जहाँ पे हमें ये शूट अपेक्स दिख रहा है, इस शूट अपेक्स में कुछ ये छोटे छोटे लीफी स्ट्रक्चर दिख रही है, इस लीफी स्ट्रक्चर को हम लीफ प्राइमोडिया बोलते हैं, प्राइमोडियल सेल्स। ये लीफ प्राइमोडियल सेल्स हैं, बाद में लीफ बनाएंगे। यहाँ पे लीफ प्राइमोडियल सेल्स थे तो ये लीफ बनाएंगे बाद में। अब क्या होगा, तो पोर्शन एपिकोटाइल देखने को मिल ही गया था। एपिकोटाइल हैज ए शूट अपेक्स एंड लीफ प्राइमोडिया एनक्लोज्ड इन होलो फोलियर स्ट्रक्चर कॉल्ड द कोलियोप्टाइल। अब ये जहां पे प्रेजेंट है ये सारी स्ट्रक्चर कोलियोप्टाइल कहलाएगी। अब इस तरह से मोनोकोट कंप्लीट हुआ, डाइकोट और मोनोकोट दोनों। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये एपिब्लास्ट कहलाता है। अब सोक अ फ्यू सीड इन वाटर से ऑफ वीट मेज पी चिक पी ग्राउंड नट ओवरनाइट, देन स्प्लिट सीड एंड ऑब्जर्व द वेरियस पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो। अगर एम्ब्रियो के वेरियस पार्ट देखने तो इसको पानी में भिगो दो सीड्स को, और जब उसको देखेंगे तो इसमें एम्ब्रियो के अलग अलग पार्ट्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीड कवर करेंगे। थैंक यू।